तो पापरा जस्तो धर्यो है आमा Guys, namaste and welcome back to my vlog once again. I hope you people are doing good and I'm also doing great. सबको स्वागत है मेरे vlog में. आज का vlog होने वाला है बहुत ही interesting क्योंकि आज हम कर रहे हैं हम लोग का guest room का wall का makeover. ये हम लोग painter से भी करवा सकते हैं पर ये हमको खुद ही करना था क्योंकि we like to do such thing. I love to do such thing. और जब हम लोग खुद करते हैं और उसका जो result देखते हैं last में बहुत खुश होता है. I love doing makeovers at my home. So ये wall बहुत ही डैम्प हो गया था क्योंकि उसके पिछले साइड में जो है हम लोग का बाथरूम है तो उसके कारण से यहाँ पे सीलन आ गया था. तो सोच रहे थे ये वॉल को हम लोग कुछ करेंगे बट कब से सोच रहे थे बट आज फाइनली डिसाइड हो गया कि वी डू दैट. ओके तो यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं पापा को क्योंकि पापा मम्मी आए हुए अभी हम लोग के घर में. तो पापा और मम्मी हम लोगों को कर रहे हैं सपोर्ट क्योंकि पापा और मम्मी को ऐसा काम करना बहुत अच्छा लगता है स्पेशली पापा को. तो बोला कि चलो हम लोग सब करते हैं मिलके करते हैं. तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा वॉल कैसा हुआ है. सो इफ़ यू लव माई कंटेंट एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो कीप वॉचिंग थ्रू द मेक ओवर क्योंकि एक दिन का मेक ओवर नहीं होने वाला क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर सकते हैं ये वॉल पे. सो इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट कैसा होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा. ओके तो अगर आपके घर में भी ऐसा डैम पे तो ये अगर इफ इट टर्न्स आउट टू बी गुड हम लोगों ने जैसे किया है वैसे आप भी कर सकते हो. पहले इसके लिए आपको देखना होगा फुल व्लॉग. सो यस लेट्स स्टार्ट विद टुडे व्लॉग. कस्तो पापरा जस्तो धर्यो है अम्बो कैसा गिर रहा है अम्बो देखिए इधर यहाँ पर ऐसा हो गया घर. आमा है यूट्यूब चैनल आमा ने बना रहा है काम बाबा का. तो यहाँ पे देख रहे हैं मम्मी पापा मेरा बहुत एनर्जेटिक है. पापा को ऐसा काम करना बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली पापा ने ये काम पहले नहीं किया है सो इट इज ऑल्सो हिज फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग. तो यहाँ पे देख सकते हैं डैम कितना लग गया था. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतना गंदा हो रहा था ये वॉल इतना गंदा दिख रहा था. सो अगर पेंटर वालों से लगाएंगे तो वो क्या होगा कि एक तो ये लोग का दिन भी ज़्यादा हो जाएगा और ये लोग काम भी बहुत क्या करते हैं भद्दा तरीके से कर देगा इधर उधर सब गंदा कर देगा. सो तो खुद कर रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग इसको आसानी से कर सके. सो फर्स्ट डे में पापा क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रेप कर रहे हैं यहाँ पे सभी ये जो है ना पपड़ी वगैरह को स्क्रेप कर रहे हैं. मम्मी कैसा आ रहा है आपको ये काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है क्यों? अच्छा लग रहा है साफ सफाई करने में बहुत दिलचस्पी है ना हम लोग का इसीलिए. और ये वॉल तो हम लोग कब से सोचा था ना करने के लिए कब से सोचा था कितना साल हो गया? दो साल हो गया. सोच रहे थे कब करेंगे है? आज फाइनली इसका भी लगन आ गया ना इसका लगन आ गया. तो ये वॉल कैसा होगा पता नहीं. पापा ने यहाँ पे रोलर भी लेके आए है पेंट भी लेके आए है और ये ब्लेड भी लेके आए है और कुछ सामान. ये क्या हो यो के ले करे सब बाबा डैम प्रूफ. तो पापा ने लाए हैं एशियन पेंट का हाइड्रोलॉक हाइड्रोलॉक बोल के लिया है और इसका दाम है ओनली 613 रुपीज फॉर 1 लीटर. एंड ये छोटा सा रोलर लेके आए हैं एंड दिस इज एशियन पेंट का एक्रेलिक वॉल पुटी. ओके ये बनी बनाई है लाइक पापा बोल रहे थे कि कुछ तो पाउडर फॉर्म में मिलता है मुझे भी इतना आइडिया नहीं. तो ये आई थिंक इट्स रेडीमेड और इसका प्राइस है आपका आई थिंक 504 रुपीज. सो अभी हम लोगों ने इसमें लगाया है ओनली 1000 रुपीज लग गया है. सो देखते हैं ये क्या होता है. सो अब पापा क्या करे पता नहीं क्या करे को तेजे वो सबको. कितना पपड़ी जम गया था कितना पपड़ी जम गया इसको तो ब्रश
कांटा वाला ब्रश। और हम लोग सब काम कर रहे हैं और यम्मी यहाँ पे देखिए कितने आराम से सोई हुई यम्मी, गिव मी अ हैंड, सबको हाय बोल दो, हाय। सो मम्मी पापा तो अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी अपना काम करती हूँ, मुझे लंच बनाना है तो मैं जा रही हूँ किचन में। सो मीट यू आफ्टर मेकिंग और प्रिपेयरिंग द लंच गाइस, थैंक यू। देख के चिल्लो त हुनु पर्छ नि, अब फर्स्टमा त कहाँ हुन्छ होला त, तर पनि हुनसक्छ। क्या हुआ बादाम बादाम खा रहे हैं एनर्जी के लिए। बाप रे 500 रुपे होइन नि, 200 कति लेखिरहेको छ त्यहाँ एक लिटरको, क्या 200 कति लेखेको छ त होइन, 613 रुपे। ओ हाइड्रोलक, अब पापा क्या कर रहे हैं वो, ये हाइड्रोलक है आपका, अगर डैम्प हो गया तो फर्स्ट इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हाइड्रोलक। इसको ऐसे पहले लगा के इसको छोड़ना होगा 4-5 आवर्स के लिए, पहला तो छोड़ना पड़ता है ना, सूखना पड़ता है 4-5 आवर्स। इसको सब इस तरह से ब्रश से लगाना होगा इसको, आज हम लोग आ गए डे टू में। सो हम लोगों ने इसमें ये जो है डैम्प प्रूफ लगा के 2 दिन तक रखा था, 2 दिन सूखने के लिए रखा था, अब ये सूख गया है क्योंकि इसको सूखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सूखने के बाद में आज यहाँ पे पापा ने ये रेडीमेड मैंने आप लोगों को दिखाया था वॉल पुटी, तो इसको थोड़ा सा पानी दे के मिक्स किया है, अब इसको लगाने वाले हैं। सो डे टू के लिए आज हम लोग कर रहे हैं इसको, वॉल पुट्टी को लगा रहे हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट डे टू। ये कोशिश हो रहा है, बाप रे फर्स्ट टाइम कोशिश, वाओ जत्ता सुविधा नहीं हुन्छ आमा, जत्ता सुविधा ऊपर ऊपर, हां ऐसे ऐसे ऐसे
तो ये देखिए कोशिश करने से कुछ भी होता है ना। फर्स्ट टाइम में पापा का भी फर्स्ट टाइम में अच्छा हुआ है, लेवल मिलना पड़ेगा, लेवल मिलनु पर्छ सम्म बढ्छ होला, लेवल मिलनु त्यो कुकुर मिलनु पर्यो, यसो रुम खाको हुनु पर्यो। वाउ सो फ्रेंड्स, अभी पापा ने एक कोट लगा लिया है, तो एक कोट तो अच्छा ही लग रहा है, फर्स्ट टाइम है ये पापा का भी, तो अच्छा ही लगा है इतना। सो इसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ रहे हैं, तो इसके बाद फिर पापा लगाएंगे सेकेंड कोट। अब फ्रेंड्स देखिए ये सूख गया है बिल्कुल, इसको बहुत हम लोगों ने रखा, मोर देन 5 to 6 hours, रात भी हो गया और आप लाइट देख सकते हो, यहाँ पे अंधेरा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड कोट लगा रहे और बहुत स्मूथ हो गया, अभी बहुत स्मूथ हो गया, बेचारा पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं और यह अभी होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हम लोग का सेकेंड कोट कंप्लीट, और फिर और एक कोट लगाना पड़ेगा कल, ऐसा लग रहा है। तो आज का और लगाना पड़ेगा ना, एक कल लगाना पड़ेगा फिर, और फिर मैं यहाँ पे कलर भी लेके आई, और वाइट पुट्टी जो है ना थोड़ा कम हो गया था, 5 liters लेके आई थी, फिर 1 liters और 1 liters लेके आई, 2 liters, और ये कलर जो है वाटर प्रूफ लेकर बाबा, यो वाटर प्रूफ कलर 700 liters को, ये कलर 700 ये लेके आया, तो ये लेके आया 700 करके लीटर का है ये, तो एशियन पेंट्स रॉयल है ये, तो इसको लगा के देखती हूँ। फिर ये वॉल में अच्छा हो गया तो मैं पूरा घर में ये लगाऊंगी ना, कलर तो ये नहीं लगाऊंगी, कलर तो मैं चेंज करूंगी, ये जब ये कलर मैं चेंज करूंगी तो ये कलर मैं नहीं लगाऊंगी, दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये लगाए क्योंकि डैमेज ये वॉल है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कलर भी वाटर प्रूफ लगा, पर ये की ना बाबा ये क्यों काला नहीं गया, प्राइमर लगाने से सफ़ेद होगा जैसे, क्योंकि ये तो अगर ये काला ही हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं होगा ना, नहीं होगा ठीक है। तो फिर ठीक है गाइस, सो गाइस आज है 3rd day और पापा मैं तो उठी नहीं थी, तो पापा ने फिर इसको 3rd coat दे दिया है। देखिए कितना ये स्मूथ हो गया है, अभी बहुत स्मूथ हो गया, अभी अब इसको सूखने देंगे और इसके बाद प्राइमर लगाएंगे और कलर करेंगे। सो स्टे ट्यून, पापा तो जल्दी उठते हैं ना, मेरा थोड़ा सा सर्दी खांसी होने के कारण से रूम का हालत देखिए ऐसा हुआ है, सो सर्दी के कारण से ना मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं देर से उठी, तो पापा ये ख़त्म कर चुके थे, बहुत ही देखिए पहले का और अभी देखिए कितना फ़र्क आ गया है ना वॉल में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और 4th day हो गया है और यहाँ पे ये सूख गए, अब पापा यहाँ पे प्राइमर लगा रहे हैं, देखिए ये वॉल कितना अच्छा हो गया अभी, तो आज प्राइमर करने के बाद सूखने के बाद आज ये वॉल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हम लोग कलर लगाएंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे गाइस, सो स्टे ट्यून। अब हम लोग का कलरिंग स्टार्ट हो गया है, प्राइमर भी सूख गया है, कलर मैचिंग होगा या नहीं होगा पता नहीं है, तो अब स्टार्ट हो रहा है कलरिंग पार्ट। मजा आया है नभए त अल्छी मानेर है, ड्राइभर
Guys, good morning. So आज है final day और आज है reveal of the wall. Okay. So अभी पूजा खत्म किया है मैंने, तो इसके लिए process के लिए बहुत time लग रहा था, तो मम्मी पापा के पास भी time बहुत कम था. और ज़्यादा time होता तो ये और ज़्यादा अच्छा होता, पर भी पापा का ये first time था, मेरा भी first time था, तो हम लोगों ने मिल के इतना किया. तो आप लोगों को मैं ये wall reveal करने वाली हूँ, तो इतना हुआ है, आप लोग भी देख लीजिए. तो final look. This is the final look of the wall. So आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर हो गया मेरा wall. यहाँ पे पहले कितना गंदा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकती थी मैं. और कब से सोच रही थी कि इसका मैं मेकओवर करूँ. अनुज भी बोल रही थी कि पेंटर को लेके करवाओ, पर हम लोगों ने सोचा कि हम ही करते हैं. और पापा को ये सब कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है, और सिलगुड़ी आने के बाद में वो बहुत बोर हो जाते हैं, तो इस बार उनका भी काम हो गया और उसको भी उनको भी बोर नहीं लगा, तो पापा को बहुत पसंद आया. और पापा का फर्स्ट टाइम था ये और मेरा भी. सो हम लोगों ने सबका आइडिया लगा के ये वॉल को ऐसा बनाया. आप लोग देख सकते कितना अच्छा हो गया. अब यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकती हूँ. तो दिस इज़ द फाइनल रिवील. I hope you liked it. तो अगर आप लोगों को भी बजट में इस तरीके से आपका वॉल जो है डैम्प वाला वॉल आपको अच्छा करना है, तो आप खुद भी कर सकते हो. और मेरा जो आपको स्टेप्स बताया मैंने सब वो फॉलो कीजिए, तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपके पास भी मेरे जैसा पापा है. तो दिस इज़ द फाइनल रिवील ऑफ द लुक, एंड आई होप यू लाइक्ड द मेक ओवर ऑफ दिस वॉल्स. इफ़ यू लाइक टू दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक share and comment. This was the final makeover of the wall. ये मैं कब से करना चाह रही थी. Finally I'm so happy, happy, happy. And आप लोग भी इस तरीके से अपना जो damp वाला wall है उसको खुद repair कर सकते हैं अगर आपके पास मेरे जैसे पापा हो. और अगर आप लोग बस time है तो आप लोग कम पैसे में without any painter's help you can just renovate the wall. So I hope you liked my today's video. If you liked my today's video then don't forget to like, share and subscribe to my channel. So bye bye guys and meet you in the next video. This was the final makeover of the wall. I hope you liked it. कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये wall. पहले ये wall को देखे मुझे इतना गुस्सा आता था, अभी finally this wall is so beautiful. I can do anything in this wall. A big thank you to my papa और मेरा बाबा को जिसने इतना time invest किया. उनका भी ये first time था, उन्हें भी कुछ पता नहीं था, पर मेरी खुशी के लिए उन्होंने ये initiative लिया. और वो लोग तो छुट्टी में आए थे, फिर भी time निकाल के मेरे लिए किया. So big thank you to my baba. So you can also renovate your wall. If you have a damp wall, मुझे बहुत ही कम खर्च लगा. आई थिंक नॉट मोर देन 2500. सो 2500 के अंदर में मैंने सब कुछ इसमें वॉल को बहुत अच्छा बना लिया. सो यही था आज का वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सो इफ यू लाइक माई टूडेज वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल. सो बाय बाय टिल नेक्स्ट टाइम एंड लव यू गाइज़.